22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अभूज, जादुई और उससे भी अधिक। टॉमस कलारल, लेखक और इतिहासकार। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफ़ी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज़ पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। जब मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहाँ एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज़ हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे, वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई है। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठ रही थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नज़र आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में एक ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी तब मेरी कंपनी पर $20,00,000 का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर की सारी चीज़ों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफ़ी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये सारी चीज़ें शामिल थीं: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नज़र आ रही थी वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं।
मेरी साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा जो थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें और एक मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में रख अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज़्यादा जल्दी साकार हों तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब आपकी इच्छाएं आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आप किसी इच्छा की सूची में काटेंगे तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज़ संभव बन गई थी। जादुई अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नज़रों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा एक मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो गई हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।